प्लीज आप बांग्लादेश के लिए एक बार सजेस्ट मत करना, अदर कि उसको बाद में भी प्रॉब्लम आएगी अगर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एमबीबीएस को लेके फ्यूचर प्लान कर रहे हैं उनका, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। और जो अपने अपने बच्चों को बांग्लादेश भेजने वाले हैं उनके लिए है। देखो, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। बांग्लादेश की जो मेडिकल एजुकेशन है कंपैरेटिवली टफ है, क्योंकि डेली आइटम्स होते हैं, डेली वाइवा होते हैं। देखिए, अगर स्टूडेंट रेगुलर रहता है, साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ पाता है, मतलब आप जानते हो अपने आप को, आप कितना आउटपुट दे पाते हो, तो उसके लिए मेडिकल एजुकेशन यहाँ की ईजी होती है, प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं पढ़ने में, समझे मेरी बात। तो वो स्टूडेंट को भी पता है, वो पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बच्चा कितना है, कितना पढ़ सकता है, कितना कर सकता है। बोलना चाहूंगा कि अगर स्टूडेंट वीक है और बहुत ही ज्यादा वीक है, हाँ, कि इतना ज्यादा कि ना उसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ना वो कोरिलेशन कर पा रहा है चीजों का, थॉट प्रोसेस उसका जो थिंकिंग है, वो जो इमेजिनरी जो है, मतलब कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना, वो सब चीजें मतलब एक्सप्लेन नहीं, मैं उसको शायद, मुझे नहीं पता आपको वो चीज समझ में आ रही है नहीं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो उसके अंदर नहीं है, तो उसको प्लीज आप बांग्लादेश के लिए आप सजेस्ट मत करना। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक्चुअली ये जो मैं बात कर रहा हूँ, कौन से स्टूडेंट जो कि वीक होते हैं, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कि अभी रिसेंटली मैंने 2 साल में वो एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोग स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो मेंटली सिक होते हैं या फिर वो डिप्रेस होते हैं, उनके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं कर पाता, उस एनवायरनमेंट को, उस एजुकेशन को अडेप्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा अगर स्टूडेंट है तो आप उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट को कोर्स दीजिए, कि सब कर लेते हैं, लाइक उसमें मैटर नहीं करेगा कि आप पढ़ने में कैसे हो, मैटर मैं बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी वो मेंटली वीक हैं, तो जिनकी मेंटली कैपेसिटी नहीं है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी वीडियो पूरा देखिए। क्योंकि थोड़ी टफ होती है, फिर उसको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि या ऐसा भी नहीं है कि पैसा देकर के बैग निकल जाती है। अगर आप यहाँ पे आ जाते हो और अगर आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ के ही आप नेक्स्ट ईयर में और नेक्स्ट प्रॉफ में एलिजिबल हो पाओगे, कॉलेज आपको एलिजिबल करेगा, क्योंकि कॉलेज के अंदर ही इतने सारे एग्जाम्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो सब आपको जब क्लियर करोगे तब आप प्रॉफ के लिए एलिजिबल होगे। कॉलेज एलिजिबल करता है बाय द एलिजिबल लिस्ट, तो उस एलिजिबल लिस्ट में आपको आने के लिए कॉलेज के अंदर के सारे जो डेली के वाइवा होते हैं, डेली प्रैक्टिकल्स होते हैं, कार्ड एग्जाम्स, टर्म्स, कार्ड्स, टर्मिनल एग्जाम, मतलब, तो वो सारे आप जब क्लियर करोगे तब आप प्रोफ में एग्जाम में बैठ पाओगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में सारे स्टूडेंट कर लेते हैं रेगुलरली पढ़ के, और इतना वो भी नहीं है कि नहीं, मेडिकल एजुकेशन ऐसी भी नहीं है, अगर स्टूडेंट पढ़े तो निकल जाती है। लेकिन जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं, क्योंकि उसको बाद में भी प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको लगता है कि वो एजुकेशन, वो स्टूडेंट थोड़ा वीक है, तो उसको प्लीज आप बांग्लादेश के लिए एक बार सजेस्ट मत करना। अदर कंट्रीज के लिए चलो आप एक बार के लिए सोच सकते हो, कोई दूसरी कंट्री के लिए सोच लेना, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि आप पैसे दे के भी आप अपनी बैग को निकलवा सकते हो, लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जहां पे आप पैसा दे करके कभी भी आप अपनी बैग को नहीं निकलवा सकते। किसको पैसा दोगे? कोई है नहीं जो आपसे पैसा लेगा, सिर्फ अगर आप आउटपुट दोगे तो ही आप अपना एग्जाम पास कर पाओगे। बस इतना ही आप मेरा इस वीडियो को देने का, आप थोड़ा सा अवेयर करना था इस चीज के, क्योंकि मेरा इस मेरे YouTube चैनल पे ही रीजन एक है कि अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा फ्रॉड होता है स्टूडेंट्स का, कंसल्टेंट का, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ इतना सारा फ्रॉड है जो कि आप पकड़ भी ना पाओगे कि कौन सी जगह पे फ्रॉड हो रहा है। तो उस फ्रॉड से बचने के लिए मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को इस YouTube चैनल पे देता रहता हूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मेरा जो Instagram हैंडल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कुछ और कन्फ्यूजन है तो मेरा नंबर भी दिया हुआ है WhatsApp पे, यू कैन आस्क मी एवरीथिंग अबाउट द मेडिकल एजुकेशन ऑफ बांग्लादेश। तो बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आशा करता हूँ आपको शायद ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।